हाय, कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड. मुझे आप लोग को ये बताना था कि आई गॉट रियली सिक फॉर लाइक 2 डेज. आई वॉज ऑन दैट थिंग कॉल्ड वो एंटीबायोटिक का डोज. सो आई रियली डिडंट हैव दिस एनर्जी ऑफ मेकिंग ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई ट्राइड टू चेंज माई रूटीन. बेसिकली दैट एक्सरसाइजिंग थिंग दैट गॉट मी रियली सिक. नाउ मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, बट आई एम स्टिल ईटिंग दोज मेडिसिन. अभी मुझे खबर मिली है कि मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो गया है. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सा? महाराष्ट्र में. देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड गोंडिया विच इज़ नियर टू नागपुर. सो आई एम सिलेक्टेड देयर एंड आई हैव टू गो फॉर द एडमिशन्स. तो मैं वहाँ पर जाऊँगी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिनी ब्लॉग. दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम, मे बी सेकेंड टाइम टू गो इन पब्लिक एंड मेक अ वीडियो. सो डोंट एक्सपेक्ट द क्वालिटी टू बी लाइक रियली ग्रेट. जो भी मैं एक्सप्लोर करूँगी, आई ट्राई टू शो इट टू यू. बट आई नो यू गाइज अंडरस्टैंड वॉट आई मीन. आई मीन सो लेट अस फर्स्ट सर्च की गोंडिया है क्या. तो गोंडिया इज़ अ सिटी इन महाराष्ट्र. एंड मुझे तो बस इतने से ही मतलब था. गोंडिया इज़ अ सिटी एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एरिया उसका 50 किलोमीटर स्क्वायर है. यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, देर इज़ ओनली वन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोंडिया विच आई एम एडमिटेड टू. और ये वेदर वेदर हैं और ये कुछ होटल्स हैं. इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू हैव टू स्टे देयर, यू कैन स्टे हियर. इसके बाद आई स्टार्टेड माई ट्रेन की जर्नी. बहुत दिनों बाद मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था. इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस. यहाँ से फ्लाइट्स भी हैं. गोंडिया के पास एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है बिरसी एयरपोर्ट. इधर पे अभी मुंबई की फ़्लाइट्स चालू नहीं हुई हैं. जब होंगी तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स आई यूज़ देम. देन वी रीच गोंडिया स्टेशन. जीएमसी और गोंडिया स्टेशन का जो रास्ता है वो बस 3 मिनट्स का बाय ऑटो है. सो वी रीच देयर रियली क्विक. Everyone were busy verifying their documents over there, so I did the same. उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर का हॉस्टल देखने चली गई. एंड फर्स्ट ईयर का हॉस्टल इज़ थोड़ा दूर, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इट्स इन द कैंपस ओनली. गोंडिया इज़ रियली अ नाइस प्लेस बिकॉज इट्स अनपोल्यूटेड एंड दैट्स वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट. यू कैन लिव देयर. फिंगर्स क्रॉस्ड. आई रियली टुक माई एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई. वेन यू आर गोइंग टू सी अ हॉस्टल, जस्ट टेक योर एक्सपेक्टेशन टू रियली लो. I was very much disappointed, but I am privileged to get into a government medical college like this. Aunty ne bola ki do bacche ek saath reh sakte hain, but there were 3 beds and she said friends make it up by themselves and you can even decorate the room. I was actually worried about the electricity and water and she said it's 24 hours, the cleanliness is maintained, in the washrooms you have geysers, what else do you want? And everything was good. I was satisfied afterwards. Then we ate some food and we had to go back to Mumbai by train. अब ट्रेन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है दैट यू हैव टू वेट अ लॉट. सो या आई वेटेड. बहुत टाइम वेट करने के बाद ट्रेन में बैठे. ट्रेन में बैठने के बाद यार वही और वेट किया बिकॉज ट्रेन गेट लेट एंड फिर मैं घर पहुँच गई. हाई गाइज, तो एडमिशन भी हो गया. अभी आई केम होम, आई गॉट फ्रेश, एट डिनर एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू गाइज. और कंग्रेचुलेट मी फॉर दिस. जी एम सी गोंडिया. आई नेवर थॉट इन माई ड्रीम्स दैट आई वुड गेट GMC गोंडिया, बट चलो मिल गया यार. एंड इट्स गोइंग टू बी माई सेकेंड होम. गोंडिया इज़ गोइंग टू बी लाइक आई एम एक्साइटेड. और मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ कल से बिकॉज मुझे हॉस्टल के लिए सबके लिए शॉप करना है. तो ऑफकोर्स मैं वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगी बिकॉज वन डे वन वीक ब्लॉग, यू गाइज नो दैट. सेकेंड थिंग इज एक्चुअली आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एक्चुअली या आई एम एक्साइटेड टू गो टू अ हॉस्टल. आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम माई होम और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. हाँ, डर भी लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत बिकॉज लीविंग माई स्पेस एंड नाउ गोइंग देयर. इतने टाइम बाद, कितने टाइम बाद सब कुछ कंफर्म हुआ है. ठीक है यार, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, फ्रेंड्स होंगे न्यू, आई एम गोइंग टू एडजस्ट देयर, आई डोंट नो. बट या आई वॉज एक्चुअली आई मस्ट नॉट से दिस, बट या आई वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बाई द हॉस्टल्स. आई एम सॉरी इफ दिस साउंड्स वियर्ड, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा एक रूम होगा एंड ऑल.
पर यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा जो भी होगा. एंड आई एम नॉट अलोन इन टू दिस. देयर आर 150 किड्स मोर हु आर गोइंग टू टॉलरेट दिस विद मी एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. आई रियली गॉट स्लीप. हाउ वॉज माई डे? आई विल रेट इट 8 out of 10 because it was out of the box. I never expected this to happen and never planned this. So, हाँ, इसको मैं 8 out of 10 rate कर देती हूँ और कल देखते हैं क्या होता है. और अभी तो मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि बहुत थकान हो गई है मुझे. एंड आई हैव टू टेक माई मेडिसिन. ओ आई हैव टू टेक माई मेडिसिन. चलो ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर.